तो एक काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेके ट्विटर ने हाल में ही PFI जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके अकाउंट को वेरीफाई किया है। किसी को भी वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आप उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं और उसकी रीच को बढ़ा रहे हैं। कसम से यार, ट्विटर को ना इंडियन गवर्नमेंट से पंगा लेने की आदत ही पड़ गई है। ट्विटर वो कुत्ता है जिसको आपने बार बार पत्थर फेंक के भगाया है कि मेरे गार्डन में आके पेशाब मत कर, लेकिन फिर भी रोज रोज आके वो कुत्ता आपके गार्डन में पेशाब करता है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है, और ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन क्यों है ये जानने के लिए हमें PFI को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको काफी डिटेल में PFI के बारे में बताता हूं, उसकी हिस्ट्री और उसके एक्टिविटीज के बारे में समझाता हूं। शुरू करते हैं। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, उसके बाद पूरे इंडिया में कई सारे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप पड़े थे। इनमें से तीन ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ऑफ केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और मनिथ निधि पसारी ऑफ तमिलनाडु, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस फिर 2006 में मर्ज हुए और मर्ज होके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI बन गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से PFI की पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रोथ हुई है इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू PFI's वेबसाइट, ये एक सोशल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं कि वो दलित, ट्राइबल्स, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। PFI कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जैसे स्कूल चलो प्रोग्राम, जैसे सर्व शिक्षा ग्राम प्रोग्राम और अडॉप्ट अ स्टूडेंट प्रोग्राम, ताकि मुस्लिम्स का एजुकेशन लेवल बढ़ाया जा सके। ये कहते हैं कि ये बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए जस्टिस चाहते हैं, इसलिए ये लोग UAPA जैसे कानूनों के अनलॉफुल इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, मुस्लिम्स को ज्यादा रिजर्वेशन देने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और इन्होंने CAA के खिलाफ भी काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। अब देखिए, नीना गुप्ता ने खलनायक मूवी में एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था कि भाई चोली के पीछे क्या है, और PFI के साथ भी हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये अपलिफ्टमेंट की जो आपने चोली लगा रखी है, इस चोली के पीछे है क्या। और जब हम जरा सा रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि इस चोली के पीछे इस्लामिज्म है। PFI का एक काफी पुराना और काफी स्ट्रॉन्ग इस्लामिस्ट कनेक्शन है, क्योंकि इंडिया में एक रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था सिमी। सिमी को जब बैन किया तो सिमी के कई सारे लीडर और कई सारे मेंबर्स जो थे, उन्होंने जाके फिर PFI को ज्वाइन कर लिया। कई सारे सिमी के फॉर्मर मेंबर और लीडर PFI में काफी लीडरशिप पोजीशंस में हैं। PFI के जो नेशनल चेयरमैन है अब्दुल रहमान, वो सिमी के फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। PFI के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद, वो भी सिमी के स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। क्या बात है भाई, अचानक से सिमी के लोगों ने टेररिज्म, रेडिकलिज्म छोड़ के सोशल अपलिफ्टमेंट शुरू कर दिया, ये सच है क्या? Not this time. No, not this time. It's totally made up. Pure fiction. सच्चाई ये है कि PFI कई सारी इस्लामिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट PFI बनने के पहले भी जब इसको NDF बोला जाता था, तब अकॉर्डिंग टू NDF सुप्रीम काउंसिल मेंबर पी कोया, NDF का सबसे इंपॉर्टेंट गोल था दावा, यानी aggressive religious conversion of non-believers. PFI भी दावा activities में काफी aggressively और काफी strongly involved रही है। In fact, PFI के ऊपर कई allegations लगे हैं forced conversions के। AS Zainaba, जो कि PFI की women's wing, National Women's Front की president है, उन्होंने एक sting operation में admit भी किया था कि PFI जो है वो forced conversions कर रहा है। Conversion का क्या procedure होता है? Conversion नाम पर लिखना ये तो ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्यार से लोग को गुस्सा आ जाएगा। ओके, कन्वर्शन नाम पर नहीं करना है, सेंटर का नाम दूसरा नाम पर। हमारे सत्य सरनी इंस्टीट्यूट का नाम पर कन्वर्शन सेंटर नहीं है, सत्य सरनी इंस्टीट्यूट है और चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी नाम पर हम शुरू करना है। आप जो कन्वर्शन वहाँ सत्य सरनी में होता है, या जो लोग रहते हैं जी, मान लीजिए वो कभी बाहर जाके बोल रहे हैं किसी, उसका चांस कम है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना इस्लाम कबूल करने के बाद बाहर जाने हैं। Her confession only confirms what the NIA said in its dossier on the Popular Front of India. The dossier read,
The PFI is running a religious conversion facilitation center called Sakti Sarani. बताइए साला education और social service के नाम पे conversion कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि भाई छोटी गंगा बोल के नाले में कुदवा दिया। September 2019 में भी केरला की leftist government ने 94 cases submit किए थे National Investigative Agency को PFI के forced conversions के। क्या भैया social upliftment बिना conversion के नहीं allowed है आपको करना? अब्बा नहीं मानेंगे। याद रखिए कि जो हादिया का काफी बड़ा लव जिहाद का केस हुआ था, उस केस में भी पीएफआई ने हादिया को सपोर्ट किया था फाइनेंशियली और उसके लिए कपिल सिब्बल जैसे एक्सपेंसिव लॉयर को भी हायर किया था। इससे आपको पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी तरह से फंडेड है। तो फोर्स कन्वर्जन तो चल ही रहा है, उसके ऊपर से पीएफआई के ऊपर मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करने का भी आरोप लगाया गया है। आज आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। पुलिस ने जब पीएफआई के ऑफिसेस पर छापा मारा था तो उनको काफी सारा अलकायदा का प्रोपेगेंडा मिला था जो वो अपने मेंबर्स को बांट-बांट के सुना रहे थे और उनको रेडिकलाइज कर रहे थे। इनफैक्ट पीएफआई ने काफी बड़ी बड़ी रैलीज भी निकाली थी जब जाकिर नायक को इंडिया से बैन किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है ना कि एक सोशल अपलिफ्टमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन जाकिर नायक जैसे इस्लामिस्ट को, रेडिकल को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि भैया जाकिर नायक उनका काम फ्री में उनके लिए कर रहे हैं इसलिए। और पीएफआई जिस तरह की रेडिकलाइजेशन कर रही है उस रेडिकलाइजेशन का रिजल्ट भी काफी डेडली हुआ है। सिख वर्शिपर्स वर किल्ड 2 डेज अगो इन काबुल इन दिस टेरर अटैक ऑन गुरुद्वारा हर राय साहिब। नाउ वन ऑफ द टेररिस्ट वाज एन इंडियन फ्रॉम कासरगोड इन केरला, एन इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट। ही इज नाउ बीन आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद मोहसिन। Now, Mohsin was a 21-year-old engineering student at Kasargod in Kerala before he fled to Afghanistan. और ये जो terrorist था, वो Kerala से था और PFI का member था. In fact, PFI के role को Easter bombing के case में भी confirm किया गया है. दो PFI के members, Riyaz Abu Bakr और Azharuddin ने logistical support provide किया था Easter blast के mastermind Zahran Hashmi को. PFI के ऊपर illegal weapons को जमा करने का भी आरोप लगाया गया है। 2013 में जब केरला पुलिस ने रेड किया था पीएफआई के ऑफिस को तो उनको कई सारे इलीगल लीथल वेपन्स और इलीगल करेंसी मिली थी। इनफैक्ट 2016 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने एक टेरर सेल केरला में आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था अल जरूल खलीफा। एनआईए के हिसाब से ये केरला का पहला इस्लामिक स्टेट का मॉड्यूल था और इस टेरर सेल में से कई मेंबर जो अरेस्ट किए गए थे वो पीएफआई के मेंबर थे। और केरला पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस हिसाब से पीएफआई के कम 10 मेंबर्स ने जाकर सीरिया में इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया है। किडनैपिंग और मर्डर में भी पीएफआई का हाथ रहा है। केरला गवर्नमेंट के मुताबिक पीएफआई का करंटली 27 मर्डर्स में हाथ है। पीएफआई के ऊपर नॉन मुस्लिम्स को इंटिमिडेट करने और डराने का भी आरोप लगाया गया है। हम सबको याद है कि जब पीएफआई के गुंडों ने एक क्रिश्चियन प्रोफेसर पीजे जोसेफ को अटैक किया था जब उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में एक ग्रामेटिकल सवाल डाल दिया था एक टेस्ट में। Quiet corner that Joseph was dragged from his car and held on the ground by a group of men. They then tried to cut off his hands using axes and knives. One hand completely severed was tossed into that garden there. The other was left dangling. पीएफआई ने 5000 लोगों का एक इलीगल मार्च निकाला था हिंदुओं को डराने के लिए उल्लाल में। पीएफआई ने व्हाट्सएप पर एक हेट कैंपेन भी चलाया था सदर्न इंडिया में 2012 में, जिसकी वजह से करीब करीब 30,000 नॉर्थ ईस्ट के लोगों को साउथ इंडिया छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हेट स्पीच भी दी है। कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम। जाने आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है? जाने आपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का भौतिक प्रमुख कौन है? क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन है। वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना।
तोड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। और हाल में ही आपने पीएफआई की वो परेड तो देखी ही होगी जिसमें वो दिखा रहे थे कि अगर वो पावर में आते हैं तो सबसे पहले हिंदुओं और आरएसएस वालों को गुलाम बनाएंगे। इनके ऊपर शिमोगा जैसे जगहों पर राइटिंग करने का भी आरोप लगा है। इनफैक्ट लखनऊ पुलिस ने 108 पीएफआई मेंबर्स को गिरफ्तार किया था यूपी में एंटी सीएए राइट्स करने के लिए। भैया ये है अपलिफ्टमेंट है? ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं भैया? अगर ये अपलिफ्टमेंट है तब तो मोगैम्बो, गब्बर, शाकाल, डॉक्टर डैंग ये सब लोग अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। और याद रखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका और केरला दोनों स्टेट्स में पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई उसके साथ गठबंधन करके रखा हुआ है। ये है हमारी सेक्युलर पार्टी। क्या भैया इलेक्शन नहीं जीतने आपको? नहीं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं एक्सट्रीमिज्म के, टेरर के, इंटिमिडेशन के, उसको कई पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, बैन करने की कोशिश की है। क्योंकि सारी पार्टीज ने ये रियलाइज किया है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के लिए कितने डेंजरस हैं। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने हाई कोर्ट को कहा था कि पीएफआई को बैन करना चाहिए क्योंकि पीएफआई इंडिया के लिए बहुत डेंजरस है। कर्नाटका गवर्नमेंट भी पीएफआई को बैन करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की यूपी गवर्नमेंट ने भी एंटी सीएए रायट्स में पीएफआई के हाथ होने के वजह से पीएफआई को बैन करने के बारे में बात की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि वो पीएफआई को बैन करना चाहते हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी कोई डिसाइसिव एक्शन ले, बैठ के सिर्फ वेट ना करती रहे। लेकिन देखिए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सीधे बैन करने में भी कुछ इश्यूज आती हैं। क्योंकि याद रखिए, पीएफआई के कई मेंबर्स पहले सिमी के मेंबर्स हुआ करते थे। तो जब आपने सिमी को बैन किया तो वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो गया, उसके मेंबर्स और लीडर्स ने जाके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अपनी रेडिकलाइजेशन की एक्टिविटीज वो कंटिन्यू करते रहे। तो अगर आपने पीएफआई को भी सीधे सीधे बैन कर दिया तो ठीक है, वो कल को एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और अपना रेडिकलाइजेशन करते रहेंगे। तो बैनिंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इतनी स्ट्रांग और इतनी वेल फंडेड ना हो सके इंडिया में। हाल में ही फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मॉस्क की फंडिंग्स के ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल रखने वाले हैं ताकि मॉस्क में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, उस पर ट्रांसपेरेंसी रहे। इंडिया को भी उसी तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है इस तरह की रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए। क्योंकि पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की काफी सारी जो फंडिंग है वो गल्फ कंट्री से आती है और बाहर से जो भी फंडिंग इंडिया में आ रही है वो एफसीआरए कानून से आती है। और एफसीआरए में किस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग आ सकती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे कि वो बाहर से एफसीआरए कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है तो पीएफआई का एफसीआरए सर्टिफिकेशन कैंसिल कर सकती है। उसके ऊपर से अगर वो पीएफआई को बैन भी करती है तो फ्यूचर में अगर उस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने चाहिए ट्रांसपेरेंसी के, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फंडिंग मिलती है उसको इंडियन गवर्नमेंट को बहुत टाइटली कंट्रोल करके रखना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ पीएफआई को बैन कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अगर पीएफआई बैन हो भी जाती है तो फ्यूचर में पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं डेवलप हो? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, सपोर्ट करें, नीचे कमेंट करें, यूट्यूब पर मेंबर बने, पेट्रियन पर मेंबर बने, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।